nature is a best teacher and you can learn a lot from nature? And if yes, then this video is for you. Hello everyone, my name is Tina Ashok Dhingra. I'm organic lifestyle entrepreneur and coach, and I'm on mission to help 1 billion people to live organic, healthy and happy life. Today I'm going to talk about why surrounding ourselves with nature is very important and what lessons we can learn from nature. Guys, we can learn the biggest lessons of our life from nature, and first is change. जो एक पेड़ होता है वो कैसे अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ के, है ना, पुरानी पत्तियां जो होती है वो गिर जाती है, तभी उस पर नई पत्ती आती है। तो हमें ये एक लेसन सीखना चाहिए नेचर से, जब एक पुरानी चीजें लेट गो करेंगी, जब पुरानी चीजें जाएंगी तो ही नई चीजें आएंगी। जैसे जो फ्रेश ग्रीन लीव्स आती है वो तभी आती है जब एक पेड़ पुरानी पत्तियों को छोड़ता है। तो दिस इज द बिगेस्ट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर। एंड सेकेंड इज पेशेंस। क्यों, जब जो लोग प्लांट करते हैं, जो लोग फार्मर्स होते हैं, उनको पता है कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी प्लांट को ग्रो करते हो, एक सीड लगाते हो, उसे कॉन्टिन्यूसली पानी देते हो, उसके बाद वो एक रिजल्ट आने लगता है। किसी फ्रूट का भी प्लांट लगाते हो तो उसकी कितने साल केयर करने के बाद आपको वो फ्रूट देता है। तो वो हमें एक पेशेंस सिखाता है कि आपको उसका अपना कर्म करते रहो, उसमें पानी डालते रहो, धूप देते रहो, उसकी केयर करते रहो, लेकिन आपको इसका रिजल्ट एक दिन बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे एक आम का पेड़ है, आपने एक आम का पेड़ आज लगाया, लेकिन वो आज आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ सालों तक उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपना रिजल्ट देगा। तो नेचर जो है, एक ट्री है, वो हमें पेशेंस सिखाता है कि हमें कैसे ना एक कॉन्टिन्यूसली अपना एफर्ट करते रहना है, और एक पेशेंस रखने बहुत जरूरी है। थर्ड इज गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। एंड जो एक ट्री होता है वो हमें फूल देता है, फल देता है, वेजिटेबल्स देता है, छांव देता है, अच्छी एक ऑक्सीजन देता है। तो ही गिव एवरीथिंग ना, वो सब कुछ देता है हमें। लेकिन तो हमें वो सीखना चाहिए, वो अपना जो फ्रूट दे रहा है वो खुद के लिए नहीं लगाता है ना, जो भी चीजें वो कर रहा है वो दूसरों के लिए करता है। तो वी हैव टू लर्न दिस बिगेस्ट लेसन, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, हैव पेशेंस एंड चेंज, आई कैन से अडैप्टेबिलिटी, चेंज अकॉर्डिंग टू लाइक सीजन, अकॉर्डिंग टू पीपल, डोंट बी द सेम पर्सन। चेंज इज मस्ट, चेंज इज रिक्वायर्ड, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट, एंड हैव पेशेंस इन योर लाइफ। सो दिस यू नो, एंड give without expectation, otherwise you will get hurt. So these are, you know, you can say the biggest lessons of your life which you can learn from nature. And today's World Environment Day, and today me and my husband, we both planted one tree and we felt so much happiness in our heart. And today we took pledge to plant 10,000 tree in our life, and that we have taken, you know, one challenge. We will plant for sure, because the joy we were, you know, having in our heart, it was, you know, you can say the, you know, priceless happiness. And we were thinking we have given, you know, birth to some life. And so now question is, why spending our time in nature is very important and what are their benefits? So answer is, research have shown people who spend their time in playing with nature, and they are, you know, more creative, they are more happier person, and they are the better problem solver. Bill Gates क्या करते थे, जब भी उनको कुछ नए ideas चाहिए होते थे तो वो एक उनका एक घर था जो की बहुत एक जंगल जैसा था, जिसमें वो वॉक करते हैं, जब भी उनको कोई आइडिया चाहिए नया तो वो नेचर में वॉक करते हैं। तो नेचर एक ऐसी चीज है, जो भी आप किसी चीज का आंसर ढूंढ रहे हैं ना, अगर आप नेचर को अपने आप से सराउंड करते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको उसके आंसर, हर एक प्रॉब्लम का आंसर बहुत जल्दी से आपको मिल जाता है, बहुत जल्दी आप चीजों से कनेक्ट कर पाते हो अगर आप अपने आप को नेचर से सराउंड करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड यूर सेल्फ विद नेचर इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम, एंड इफ यू आर प्रॉब्लम सोल्वर, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ हैप्पी लाइफ, देन सराउंड यूर सेल्फ विद नेचर। Responsibility to save your environment by planting more tree, or use things which are like reusable, and don't use more plastic items, and try whenever you are going outside, start taking, you know, carrying your water bottle with you. Don't buy
water, plastic water bottle from, you know, everywhere, and then don't throw on the road. So you have to take your own responsibility, because you have to serve something to environment. Environment and nature give you so much, but in return you have to give something to nature. And so that is very important. So that you should have good values, and you should pass on that good values to your kids and your upcoming generation. And that is very, very important. Every one of us will taking care of our environment and nature, then you will do your own part. Don't take care of, you know, others, why people are not doing, they are not listening. You should take care of your own part. I also discarded all the plastics items, from my kitchen. And so I'm also taking, mini steps. So that is important, to take a small step. Reuse things, reuse your products, and have a happy life, have a green life, and surround yourself with nature. Thank you. Claps, 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 please. Go. पहले हाथ में चलो, बाद में जीते जीते जीते।